नमस्कार, बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम अपड़ो माड़ो में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तुम्हारा साथ पीयूष पारे। आज बात करांगा खास खबर ना की खास माड़वी अंदाज में। मध्य प्रदेश का ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने आज इंदौर में बिजली कंपनी का मुख्यालय पे एक अहम बैठक ली। इन्हीं बैठक में उनने अधिकारी ना के खास निर्देश भी दिया। उनको कहनो थो कि बिजली बिल से जुड़ी हुई शिकायत ना को अधिकारी ना जल्द से जल्द निराकरण करे। वाज उनने इंदौर में व्यापारी ना से भी चर्चा करी। व्यापारी ना ने उनका सामने कई तरीके की शिकायत ना रखी, जिका बाद में मंत्री जी ने अधिकारी ना के भी व्यापारी ना की समस्या को निराकरण करने का निर्देश जारी कर दिया है। मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर आज पूरा सख्त अंदाज में नजर आया। देखिए, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जो अधिकारी उसमें संलिप्त होने की संभावना है उनको वहाँ से हटाया गया है। ये बड़ी कार्रवाई हमने की है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक भी दुकान बढ़ने की बात नहीं की है। ये एक संदेश है और ये समाज का दायित्व है, हम लोगों का दायित्व है, कर्तव्य है कि हम शराब पीना बंद कर दें। इंदौर की सेंट्रल जेल में आज एक अनूठो नजारो देखने को मिलियो। सेंट्रल जेल का अधिकारी ना ने कैदी ना का बीच में क्रिकेट टूर्नामेंट को आयोजन करियो। इन्हें क्रिकेट टूर्नामेंट में कैदी ना की 11 टीम ना ने हिस्सो लियो थो। उरका बाद में आज टीम का फाइनल मुकाबला भी खेलिया गया। जेल का अधिकारी ना को कहनु है कि कैदी ना का आचरण में सुधार लाने का लिए इना तरह का आयोजन करिया जाए है और इससे कैदी ना का आचरण में बदलाव भी देखने के मिल रहा है। जेल पे है जेपीएल लीग 2022 का आयोजन हमारे यहाँ किया गया था, जिसमें 11 टीमों ने भाग लिया था। इसमें एक स्टाफ की टीम थी और 10 बंदियों की टीम थी और इसका पूरे आयोजन में जो है बंदियों ने बहुत ही अच्छे अनुशासन से और खेल भावनाओं के साथ में यहाँ पर क्रिकेट खेला। और इसमें हमें जो सबसे अच्छा चीज ये लगा कि बंदी जो है बहुत खुल करके और अपने जो है उन्होंने फिर वो जो अपने पुराने दिन थे उसको अनुभव किया और अनुशासन का उच्च कोटि का प्रदर्शन किया। इंदौर का प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में कल से तिल चतुर्थी महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। इना महोत्सव की शुरुआत इंदौर का कलेक्टर मनीष सिंह ध्वजा पूजन का साथ में करेगा। वहां कोरोना के देखते हुए इन्हीं बार मेला पे प्रतिबंध लगाई दिए गए हुए। मंदिर प्रबंधन से जुड़ा हुआ लोग ना और पुजारी ना को कहनु है कि इन्हीं बार कोरोना की पूरी गाइडलाइन को पालन करवाया जाएगो। मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्रद्धालुओं के अपनों सर्टिफिकेट भी दिखानु पड़ेगो, जिसमें उनने कोविड को दूसरो डोज लगाए होगो। इसके अलावा मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी खास प्लानिंग तैयार कर ली गई है। बंसल न्यूज का खास सेगमेंट अपनो माड़ो में आज इतोज। अगली बार फिर मिलांगा खास खबर ना का साथ में माड़वी अंदाज में। तब तक का लिए तम सबके राम राम।